हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू होम फूड रेसिपीज। और होम फूड रेसिपीज में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मुगलई अंडा करी। तो मुगलई अंडा करी बनाने के लिए हमें जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होती है, आइए हम उन्हें देखते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए उबले हुए 6 अंडे, 3 चम्मच अदरक का पेस्ट, 1 चम्मच जीरा, 2 बड़ी इलायची, आधा चम्मच गरम मसाला, 2 बड़े चम्मच लहसुन का पेस्ट, 10 काली मिर्च, 10 लौंग, 6 छोटे इलायची, 3 चम्मच छोटे चम्मच गेहूं का आटा, 3 मीडियम साइज की प्याज जो हमने चॉप कर लिए हैं, और 3 चम्मच निहारी मसाला। ये निहारी मसाला हमें आसानी से बाजार में मिल जाता है, तो कोई भी निहारी मसाला आप यूज़ कर सकते हैं। और 1.5 कप तेल चाहिए होगा हमें। तो आइए बनाना शुरू करते हैं मुगलई अंडा करी। चलो, तो आइए हम सबसे पहले एक अपना बर्तन लेते हैं और उसमें तेल डालेंगे। तेल हमें 1.5 कप पूरा नहीं डालना है, थोड़ा तेल डालेंगे ताकि बस हमारे अंडे उसमें फ्राई हो जाएं अच्छे से। तो आप 4 बड़े चम्मच तेल इसमें डाल दीजिए बस। इसके बाद हम ये अंडे लेंगे और उन्हें अच्छे से फ्राई करेंगे। और एक बात फ्रेंड्स ये याद रखिएगा हमेशा कि जब भी आप मुगलई अंडा करी बनाएं तो निहारी के मसाले में नमक ऑलरेडी होता है, तो इसलिए नमक डालने की हमें कोई भी ज़रूरत नहीं होगी अलग से। और इसे अच्छे से हम तल लेंगे और तलते हुए इन्हें हम बराबर चलाते रहेंगे, वरना तो ये लग जाते हैं नीचे से। तो फ्रेंड्स जब तक हमारे ये अंडे फ्राई हो रहे हैं तब तक हम अपनी प्याज भी एक तरह फ्राई करने के लिए रख लेते हैं ताकि हमारा काम जल्दी हो जाए। तो इसमें हम 1 कप के करीब तेल डाल देंगे। तो अब हम इसमें ही अपनी प्याज को जो हमारी चॉप ऑनियंस थी उसको फ्राई कर लेंगे अच्छे से। गोल्डन होने तक हमें इसे फ्राई करना है और वो भी लो फ्लेम पर ताकि ये जले नहीं। तो फ्रेंड्स देखिए हमारे अंडे भी हल्के हल्के से गोल्डन हो चुके हैं। तो अब हम इन्हें एक बाउल में निकाल लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स ये अंडे हमारे गोल्डन हो चुके हैं हल्के हल्के से, तो हम इन्हें निकाल रहे हैं। अब हम अपना मसाला बनने के लिए रख देते हैं के लिए एक अलग बर्तन में। तो फ्रेंड्स अब हम इसमें 2 टेबलस्पून अपना ऑयल डालेंगे। जब ये तेल हमारा अच्छे से गर्म हो जाएगा तो इसमें हम जीरा डाल देंगे। अब देखिए ये तेल हमारा गर्म हो चुका है, तो ये जीरा हमने इसमें डाल दिया। और ये जो हमारी काली मिर्च और लौंग थी इसको भी हमें डाल देना है इसमें, और ये बड़ी इलायची थी ये भी हम इसमें डाल देंगे, और ये छोटी इलायची थी वो भी इन्हें हमने कूट के डाला है बेलन से ताकि अंदर तक मसाला इसका तेल चला जाए। अब इसमें हम ये ना अदरक का पेस्ट। तो देखिए फ्रेंड्स जो प्याज थी हमारी गोल्डन हो चुकी है और मसाला भी भुन चुका है, अच्छे से भुन गया है मसाला भी हमारा। तो अब हम इसमें जो हमारा निहारी मसाला था वो इसमें ऐड करेंगे, और गरम मसाला जो था हमारा वो आधा हम इसमें मिलाएंगे और आधा गार्निश करने के लिए रखेंगे, और इसको भी 1/2 कप पानी डालकर अच्छे से भून लेंगे। और
साथ में जो हमने अपनी प्याज गोल्डन की थी उसको भी इसमें मिला देंगे ताकि ये अच्छे से गल जाए इसमें। देखिए फ्रेंड्स, ये मसाला हमारा अच्छे से भून गया है क्योंकि इसमें बबल्स आने लगे हैं, ऑयल ऊपर आ गया है। तो अब जब ये हमारा मसाला अच्छी तरह से भून जाएगा तो हम क्या करेंगे, ये जो आटा था हमारा इसको हमें एक कप पानी डालकर अच्छे से घोलना है। लेकिन पहले हम थोड़ा कम पानी डालेंगे ताकि कम पानी में इसे अच्छे से घोल लें और इसमें लम्स ना करें। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम पानी डालकर ताकि जो लम्स इसमें बिल्कुल ना आए। अब बाकी पानी भी इसमें डाल देंगे आधा कप और जो ग्रेवी थी हमारी भुनी हुई इसमें हम ऐड कर देंगे। अच्छे से हमें ऐड कर देना है और इसे अच्छे से चलाएंगे तकरीबन 2 मिनट तक। देखिए फ्रेंड्स, 2 मिनट हो चुके हैं। अगर आपको ये लगे कि आपका मसाला थोड़ा थिक हो रहा है तो आप उसमें थोड़ा पानी और ऐड कर दीजिएगा। तो मुझे इस वक्त लग रहा है कि मेरा मसाला जो है ये बहुत ज़्यादा थिक हो चुका है, तो थोड़ा सा पानी मैं इसमें और ऐड कर रही हूँ, लगभग आधा कप। और ये जो हमारे अंडे थे इनको भी हम इसमें मिला देंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये सारे अंडे इसमें डाल दिए हैं। अब इसे 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर और ढक्कन लगाकर हम रख देंगे। तो लीजिए, 5 मिनट हो चुके हैं, अब देखते हैं क्या हाल है इनका। तो फ्रेंड्स देखिए, हमारे अंडे मुगलई अंडा करी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसमें इसे डिश में निकाल देंगे। तो लीजिए फ्रेंड्स, ये हमने डिश में निकाल लिए हैं। अब हम इन्हें गार्निश करेंगे हरे धनिया से। तो ऊपर से इसमें हम थोड़ा हरा धनिया डाल देते हैं और जो हमारा गरम मसाला बाकी बचा हुआ था उसको भी स्प्रिंकल कर देंगे इसके ऊपर। तो लीजिए फ्रेंड, तैयार है हमारी मुगलई अंडा करी। अगर आपको मेरी ये डिश पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।